हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देश की सबसे प्रतिष्ठित व मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। पावर, रुतबा और सेवा भाव के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने के कारण अभी भी युवाओं में ये परीक्षा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। परीक्षा का संचालन हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है और लाखों अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाते हैं, जिनमें से लगभग 1,000 उम्मीदवार अपने सपने को साकार कर इस मुकाम को हासिल करते हैं और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में डेप्यूटी कमिश्नर, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जैसे महत्वपूर्ण विभागों में उच्च पदों पर आसीन होते हैं। परीक्षा के 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद मुख्य परीक्षा पास करने पर ही उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। अधिकांश अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा पास करने पर साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट बनती है, मतलब मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइंड होकर जुड़ेंगे और उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट तय होगी। और परीक्षा इतनी मुश्किल होती है कि टॉपर मुश्किल से 50% के आसपास ही अंक हासिल कर पाता है। आमतौर पर हर साल जनवरी में परीक्षा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन UPSC की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरे जाते हैं। मई में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, अक्टूबर नवंबर में मेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और जनवरी फरवरी में इंटरव्यू होते हैं। इस तरह पूरी परीक्षा के 3 चरणों को पूरा करने में लगभग 1 साल का वक्त लग जाता है। एग्ज़ाम से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए या अपडेट्स के लिए आप UPSC की वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रीफली एग्ज़ाम्स पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पेपर वाइज बताना चाहूँगा। इसके साथ साथ परीक्षा से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातों से भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। UPSC के 3 चरण होंगे, UPSC परीक्षा के 3 चरण होंगे। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, सेम डे होंगे दोनों पेपर। और पहला GS का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे दोनों पेपर का होंगे, दो दो घंटे, और दोनों के मार्क्स भी बराबर हैं। 200 के ये पेपर होंगे, 200 अंक आपको मिलेंगे। पहला पेपर जनरल स्टडी का होगा, दूसरा CSET का होगा। CSET मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें रीजनिंग, अरिथमेटिक्स, आपकी स्किल, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर चेक की जाएगी। जनरल स्टडी के आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स। और CSET के आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। जो CSET है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके मेरिट में आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो मेरिट बनेगी आपकी वो जनरल स्टडी के पेपर से होगी और इसी के आधार पर आप स्टेज 2 पे जाएंगे, जिसे हम कहते हैं मेंस एग्ज़ाम। इसमें आपके 9 पेपर होंगे, 4 GS के होंगे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, जो आपका कंफर्टेबल है, जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं ऐसा आपको विश्वास हो या जिसमें आपकी कमांड अच्छी हो, ऐसा कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं आप। 2 पेपर उसके होंगे और एक एसे का पेपर होगा। ये जो 7 पेपर होंगे ये 250 मार्क्स का एक पेपर होगा, तो 1750 मार्क्स के ये 7 पेपर होंगे। 2 कंपलसरी पेपर भी होंगे आपके,
इंग्लिश तो कंपलसरी है उसको, आप को सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके इस मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। ये 300 का एक पेपर होगा इंग्लिश का, और दूसरा कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जितने भी हमारे संविधान में भाषाएं नहीं है उनमें से कोई एक एडॉप्ट करके आप उसमें अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये दोनों ही पेपर आपके कंपलसरी जो पेपर होंगे, हिंदी और दूसरी रीजनल लैंग्वेज वाले, आमतौर पर हम हिंदी को अडॉप्ट करते हैं, हिंदी और इंग्लिश का जो ये पेपर होगा आपका, इसको क्वालिफाई करना है, इसके आपके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अगर मेंस आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल में आपकी पर्सनैलिटी, आपके एटीट्यूड को, आपके कॉन्फिडेंस को जांचा परखा जाएगा, क्योंकि नॉलेज आपके मेंस एग्ज़ाम में चेक कर लिया गया है। तो ये 275 मार्क्स का होगा, और टोटल ये 1750 प्लस 275, 2025 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी, और आमतौर पर 50% के आसपास टॉप पर मार्क्स लेता है। तो सोचिए कितना टफ एग्ज़ाम ये होता है। ये देखिए कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में दो पेपर होंगे आपके, सी सेट और जनरल स्टडी के। सी सेट आपका क्वालिफाइंग है। मेंस में आपके 1750 का एग्ज़ाम होगा। 1750 मार्क्स का जो पेपर होंगे, नौ पेपर होंगे, दो क्वालिफाइंग है, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश के अलावा, जैसे हिंदी, संस्कृत मैंने आपको पहले बताया, ये क्वालिफाइंग है, इसके मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़े। जीएस के चार पेपर होंगे, और सभी पेपर 250-250 मार्क्स के होंगे, 1000 मार्क्स तो यही हो जाएंगे। एसए का 250 का होगा, 1250 हो जाएंगे। ऑप्शनल दो पेपर होंगे आपके, 500 मार्क्स ही हो जाएंगे, तो 1750 के होंगे, और 275 का आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह से आपके 2025 में से आपकी मेरिट बनेगी। यूपीएससी मेंस प्री या पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के बारे में क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी डिटेल यूपीएससी की साइट पे आपको मिल जाएगी। जनरली मैं आपको बता देता हूँ, यूपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जीएस का पहला पेपर जो होगा उसमें जनरल साइंस होगी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगी, ये टॉपिक रहेंगे इसमें। इकोनॉमिक एंड सोशल साइंस से जुड़े हुए, सोशल डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चन भी इसमें होंगे, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे, और सी सेट का जो एग्ज़ाम होगा इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगी, डाटा इंटरप्रेशन होगी, इंटरपर्सनल स्किल्स होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल एबिलिटी होगी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी कैपेबिलिटी को जांचा परखा जाएगा, बेसिक न्यूमेरिकल होगी और मेंटल एबिलिटी होगी, ये इसका पैटर्न होगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का। आप डिटेल में यूपीएससी की साइट पे जाएं, आपको डिटेल में वहाँ पे मिल जाएगा, और रिकमेंडेशन बुक्स की कौन कौन सी होगी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। अब यूपीएससी मेंस में जो चार पेपर जीएस के होंगे, पहला पेपर जो होगा वो होगा इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ये पहला पेपर होगा जीएस का। दूसरा पेपर होगा आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पे होगा, ये दूसरा पेपर आपका, ये भी जीएस का ही होगा। तीसरा जो पेपर होगा आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेन टॉपिक रहेंगे, ये तीसरा पेपर आपका जीएस का ही होगा। और चौथा जो पेपर होगा आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी आपका जीएस का ही पेपर होगा, और चारों 250 का होगा, तो 1000 मार्क्स के ये चार पेपर आपके होंगे, दो ऑप्शनल होंगे, उसका सिलेबस की डिटेल भी आपको सब्जेक्ट वाइज यूपीएससी की साइट पे मिल जाएगी, जो आप सब्जेक्ट अडॉप्ट करना चाहेंगे। और ऐसे करंट इशू, बर्निंग इशू पे ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, गवर्नेंस पे पूछा जाएगा, करप्शन पे पूछा जा सकता है, वीमेन एम्पावरमेंट पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट इश्यूज पे पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज पे पूछा जा सकता है, तो इस तरीके के विषयों पे आपकी समझ या आपकी पकड़ को चेक किया जाता है, कैसी आपकी समझ है, कैसा आप लिखना चाहते हैं, कैसा आप सोचते हैं उन समस्याओं, उन घटनाओं के बारे में, ये ऐसे होगा। और
हिंदी और इंग्लिश में मुख्यतः ग्रामर पोर्शन रहेगा, उसकी डिटेल भी आपको यूपीएससी की साइट पर मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी स्ट्रीम में। आप अगर फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया हैं। मिनिमम एज लिमिट है 21 साल, 21 साल के बाद आप एग्ज़ाम देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएट आमतौर पर 21 साल के आसपास ही होते हैं हम। और कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम 32 साल तक आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, और 6 चांस मिलेंगे आपको। 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और 6 चांस मिलेंगे अगर उसमें आप क्वालिफाई कर गए तो, वेल एंड गुड। और ओबीसी के लिए 9 चांस है, और इनकी एज लिमिट है 35 साल। एससी एसटी के लिए 37 साल है, और इनके लिए कोई अटेम्प्ट की लिमिटेशन नहीं, ये 21 से 37 साल के बीच में कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 37 साल है, और जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप्ड है, वो 42 साल तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूपीएससी को क्लियर कैसा किया जाए? रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, सबसे बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना होगा, आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और अच्छे स्टैंडर्ड के हिंदी और इंग्लिश के दो न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली पढ़ने हैं। लगातार आपको नोट्स बनाते रहना है और उनको रिवाइज करते रहना है। बुक्स की लिस्ट, मटेरियल की लिस्ट तैयार करना है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप पे एक अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा करना है, एक अच्छी छोटी सी कंसाइज लाइब्रेरी तैयार करनी है, ताकि आपको मटेरियल के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ऑनलाइन का ज़माना है तो आपको घर बैठे ही हर चीज़ मिल जाएगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, पहले जैसी प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। टाइम टेबल होना चाहिए, कम से कम 8 घंटे आपने पढ़ने हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे कैसे निकालते हैं, ये आपने खुद सुनिश्चित करना है। सुबह शाम रात को दिन को जब भी आपको कंफर्टेबल लगे 8 घंटे निकालना है। और किसी दिन आपको मजबूरन किसी काम के चलते 8 घंटे नहीं निकल पाते हैं, तो हफ्ते में वो कवर करने हैं, 10 कर दो किसी दिन 12 कर दो, किसी दिन 9 कर दो, लेकिन हफ्ते में आपके लगभग 50 से 55 घंटे बनने चाहिए। और इसका मूल मंत्र है टाइम मैनेजमेंट, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करते रहना है, और सफलता ज़रूर मिलेगी, और बहुत शानदार मिलेगी।